हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट लुक। जलती चुपती घमोरियों का मौसम आया मौसम ठंडे ठंडे डर्मी पूल का, तो वो पूल हर टाइम का हम लोग यूज नहीं कर सकते, तो बेस्ट है कि हम लोग कुछ ऐसे लुक क्रिएट करें जो सुपर इजी हो, सुपर कंफर्टेबल हो और इजी टू कैरी हो, जिसको हम होल डे कैरी कर सकें, चाहे वे गर्ल्स जो कॉलेज जा रही हैं या वो लेडीज जिनको पूरा दिन शॉपिंग करनी है, या फिर जो वर्किंग वेमेन है जो अपने काम पर जाती हैं, वो लोग भी इन लुक्स को इजीली क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज देने जा रही हूँ जो आपके लिए बहुत इजी होंगे, और वो है, तो फ्रेंड्स कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहती हूँ इन गर्मियों में। एक तो आप एक्सेसरीज को बहुत मिनिमाइज कीजिए। कोई भी ड्रेस आप अगर वियर कर रहे हैं उसके साथ एक्सेसरीज बहुत लाइट वेट होनी चाहिए। लाइक मैंने अगर ये इयररिंग्स कैरी किए हैं, ये बहुत ही लाइट वेट हैं जिनको आप होल डे कैरी कर सकते हैं। देख रहे हैं आप, मैंने इसके अलावा कुछ भी वियर ऐसा नहीं किया है। और यदि आप कोई नेक पीस पहनना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए कि छोटे छोटे स्टड्स या कोई इस तरीके के अपने इयररिंग्स में या छोटे छोटे स्टड्स वगैरह को आप कैरी करें, और ज़्यादा तामझाम आपको अनकंफर्टेबल कर देगा वो आपको नहीं करना है। जो हमको अवॉइड करनी है इन समर्स, वो है कोई भी स्किन हगिंग चीज लाइक जैगी या कोई स्किन टाइट्स जिन्हें कहते हैं, वो हैवी जींस हमको नहीं वियर करनी है। कुछ ऐसा वियर करना है जिससे कि हमारा पूरा दिन कंफर्टेबल चला जाए। गॉग्स लगाना इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए है क्योंकि एक तो वो स्टाइलिश लगता है और दूसरा वो आपकी आईज के लिए सन प्रोटेक्शन का काम करता है। एक आपको करना है कि जो फुटवेयर आप वियर करने वाले हैं वो कोई भी कवर्ड फुटवेयर आप कैरी ना करें, वियर ना करें, क्योंकि उससे अंदर ही अंदर स्वेटिंग होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। तो आइडिया ये है कि आपके फीट ब्रीथ कर सके, इसलिए आपको कुछ ओपन लाइक सैंडल्स वियर कर सकते हैं, ओपन जो वी शेप चप्पल्स आती हैं आप वो कैरी कर सकते हैं। इस तरीके के आइडियाज को आप, इस तरीके के फुटवेयर को आप इजीली कैरी कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसा बैग कैरी नहीं कीजिएगा जो कि आपको हर टाइम हाथ में पकड़ना पड़े। उससे क्या होता है कि स्वेटिंग होती है और वो अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो आपको इस तरीके के बैग्स जिनकी स्ट्रिंग बहुत लंबी होती है और जिसको आप एज अ स्लिंग बैग यूज कर सकते हैं, लाइक आप इसको ऐसे रखिए एंड यू आर डन। आप अगर कॉलेज गर्ल्स हैं तो आप बैकपैक का भी यूज कर सकते हो, या शॉपिंग के लिए जा रहे हो वहां पे भी यूज कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू योर नीड यू कैन चूज द साइज ऑफ स्लिंग बैग्स। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड इन समर्स। लुक्स के लिए सेकंड पार्ट देखना मत भूलें।